इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दिलीप घेवारे, श्रीमती नीता, श्री प्रक्षाल, ठाणे, मुंबई। सिद्धाय नमः। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी के चरणों में नमोस्तु करते हुए चारित्र चक्रवर्ती, चारित्र की मूर्ति, प्रथमाचार्य शांति सागर जी के चरणों में नमोस्तु करते हुए गणाचार्य पुष्पदंत सागर जी, जिनकी परम कृपा दृष्टि से आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, सभी ध्यानस्थ, ध्यान से जुड़ने वाली परम दिव्य आत्माएं आज इस ध्यान अवस्था में जुड़ी हैं, उन सभी ध्यान से जुड़ने वाली अवस्थाओं को, उस अंतर आत्मा को जो अपने अंदर की ऊर्जा को जागृत करके परम पिता परमात्मा से जुड़ना चाहती है, उन परम आत्माओं को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। आज हम चलते हैं ध्यान की गहराई में उतर के। हमने पहले ध्यान को ही अपने ध्यान में लिया। जैन आचार्य कहते हैं ग्रंथों में गाथाओं के माध्यम से, पदस्थम मंत्र वाक्यस्थम पिंडस्थम स्वात्मचिंतनम रूपस्थम सर्वचिद्रूपम रूपातीतम निरंजनम। पहले हमने पिंडस्थ ध्यान को देखा। पिंडस्थम स्वात्मचिंतनम, स्वात्मचिंतन के लिए पिंडस्थ ध्यान। आज हम बात करते हैं पदस्थम मंत्र वाक्यस्थम। पद अक्षरों के समुदाय को कहते हैं। जैसे हम नमोकार मंत्र में 5 पद, 35 अक्षर और 58 मात्राएं, पदों का ध्यान कर रहा, पद के प्रति जागरूक रहना, क्योंकि आपके पास भी पद है, 2 पद है, दोनों पद को आगे बढ़ाते समय पदस्थ ध्यान कैसे करें, उस पद की अनुभूति कैसे करें, जो पद की अनुभूति पंच परमिष्ठी ने की है, पढ़ते भी हैं, जो पद तुमने अपनाया है मैं भी उस पर लल जाया हूँ, वंदे तद्गुण लब्ध है, मुझे भी आपके जैसे पद की प्राप्ति हो, मुझे भी आपके जैसे गुणों की प्राप्ति हो, इस भाव के साथ आचार्य परमिष्ठी ने पदस्थ ध्यान रखा है। अब पदस्थ ध्यान करें कैसे, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा आँख खोल करके देखिए, 8 पंखुड़ी बनाइए, उस 8 पंखुड़ी में 5 परमिष्ठी और रत्नत्रय की स्थापना कीजिए, बीच में पल्लव के साथ जो ऋषि मंडल में लिखा हुआ है, अरहंत पद का ध्यान किए से सिर की रक्षा होवे, सिद्ध समूह जपन करने से मस्तक रक्षित होवे, सूर्य सुगण मन में ध्याने से नेत्र सुरक्षित होवे, चौथे पद के गुण चिंतन से घ्राण सुरक्षित होवे, मुख की रक्षा करे साधुगण दर्शन गर्दन रक्षे, नाभि रक्षे सप्तम पद जो सम्यक ज्ञान सुरक्षे, व सम्यक चारित्र सर्वंग को पाद पर्यंत सुरक्षे, ऐसे सकली करण करण से होवे पूजक अक्षय। अक्षय पद को पाने के लिए, अक्षय सुख की अनुभूति करने के लिए पदस्थ ध्यान। जब हम नमो अरिहंताणम का ध्यान करें तो आप सिर पर ध्यान कीजिए, पूरे मन को लगा करके अरहंत परमिष्ठी के 46 मूल गुणों को आप महसूस कीजिए, उनके भावों में डूबते चले जाइए, आपको एक अलग अनुभूति प्राप्त होगी,
46 मूलगुण के नाम नहीं पता है कोई ये बात नहीं, यहाँ पर आप चार घातिया कर्मों के नाम याद कर लें, ज्ञानावणी, दर्शनावणी, मोहनी और अंतराय को नष्ट करके चार गुणों को प्राप्त किया है, जैसे हमने अनंत चतुष्टय कहा है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर को, अनंत चतुष्टय को धारण करने वाले अरिहंत परमिष्टि को आप सिर पर ध्यान कीजिए। इस अरिहंत पद का ध्यान कीजिए पूरे मनोभाव के साथ। किसी भी प्रकार का तुम्हारा सिर का दर्द हो, मस्तक में भारीपन महसूस होता हो, यहाँ पर आप अरिहंत परमात्मा को याद कीजिए, नमो अरिहंतारण पद की स्थापना कीजिए। इसके बाद जहाँ पर आप बिंदी लगाते हैं, लाल कलर की बिंदी होती है, यहाँ पर आप नमो सिद्धारणम पद का ध्यान कीजिए। ये सिद्ध पद है, सिद्ध सिरा का जैसा आकार यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर लाल कलर को देखिए, यहाँ पर जितनी गृहिणी महिलाएं बिंदी लगाती हैं, लाल कलर की बिंदी लगाती हैं, आप यहाँ पर सिद्ध परमेष्टि को देखिए, निराकार हैं, अष्ट कर्मों से रहित हैं, अष्ट गुणों से सहित हैं। आप भी यहाँ पर ऐसे सिद्ध परमेष्टि को महसूस कीजिए, अपनी आंखों में देखिए आचार्य परमेष्टि, जो पंचाचारों का पालन स्वयं करते हैं, अन्य साधुओं को कराते हैं। पंचम काल है, हम सौभाग्यशाली हैं, हमें आचार्य परमेष्टि के दर्शन मिल रहे हैं, आचार्य परमेष्टि के सानिध्य में बैठने का मौका मिल रहा है, पंचाचार्यों को सुनने का मौका मिल रहा है, और पुण्य के प्रभाव से पंचाचार्यों के साथ जुड़ने का भी सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर आप आँखों में आचार्य परमेष्टि का ध्यान कीजिए, क्योंकि लिखा भी है आगम चक्षु साहु। इस समय पंचम काल में आपकी साधु की आंखें क्या हैं? आगम ही साधु की आंखें हैं। तो इसीलिए आंखों में आचार्य परमेष्टि को याद कीजिए। इस संसार में आपको आचार्य के आशीर्वाद से आचरण ही आचरण दिखाई दे, क्योंकि आचार्य परमेष्टि आचरणवान होने का आशीर्वाद प्रदान करते हैं, और आचरण आँखों से ही शुभारंभ होता है। नासिका पर देखिए उपाध्याय परमेष्टि, गहरी श्वास लीजिए पूरे मनोभाव के साथ। जब कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है, गहरी श्वास लेकर के पढ़ने का मन करता है, तो उपाध्याय परमेष्टि को महसूस कीजिए। जब नासिका में दर्द हो, साइनस प्रॉब्लम हो, उपाध्याय परमेष्टि का प्रभाव रहेगा, इस पद का प्रभाव रहेगा। नमो वज्रायणम के साथ यहाँ पर उपाध्याय परमेष्टि का ध्यान कीजिए। इसके बाद मुख पर, मुख की रक्षा करे साधुगण, मुख में आप नमो लोए सब शापण, मुख अंधेरा है, यहाँ पर ज्ञान ध्यान तपो रक्त तपस्वी सा प्रशस्त, यहाँ पर हमें ज्ञान ध्यान तप में लीन होकर के बस मुंह में जो लार बन रही है उस लार को रोकिए, उस लार को थूकना नहीं है, धीरे से ऐसे मुंह को बंद करके जो लार आपके मुंह में बन रही है उस लार को महसूस कीजिए, और नमो लोए सब सवर्णम, नमो लोए सब सवर्णम, नमो लोए सब सवर्णम का ध्यान करते जाइए। निराकार निर्जन स्थान साधु परमेष्टि ध्यान कर रहे हैं, यहाँ पर महसूस कीजिए। इसके बाद आप देखिए सम्यक दर्शन, गले पर महसूस कीजिए सम्यक ज्ञान, नाभि पर महसूस कीजिए, और सम्यक चारित्र पूरे अंग पर महसूस कीजिए। ये अष्ट दल कमल की पंखुड़ी की ऊर्जा है जो आपके पूरे शरीर को ऊर्जावान बना रही है। ऐसे पदस्थ ध्यान के साथ आप सबसे पहले नमोकार मंत्र का ध्यान कीजिए। पहले मैंने आपको अष्ट दल कमल का ध्यान कराया है, आप हृदय के साथ पूरे आठ अंगों का ध्यान करते जाइए। एक बार और मैं आपको इस ध्यान की अनुभूति करा रहा हूँ। एक बार आप आँखों को बंद कीजिए, सिर के ऊपर देखिए नमो अरिहंताणम, गहरी श्वास लीजिए,
मस्तक पर श्वास को छोड़ते हुए नमो सिद्धानम। देखिए सिद्ध भगवान आंखों पर नमो आइरियाणम। गहरी श्वास लीजिए, नासिका पर नमो वज्रायाणम। श्वास को छोड़ते हुए मुख में नमो लोए गहरी श्वास लीजिए, मुख में देखिए श्वास को छोड़ते हुए सवसाहूनम। गले पर ध्यान करेंगे सम्यक दर्शनाय नमः। गहरी श्वास लेते हुए नाभि पर हाथ लगाते हुए फिर गहरी श्वास लीजिए सम्यक ज्ञानाय नमः। गहरी श्वास लेके महसूस कीजिए, पूरे शरीर का स्पर्श करके ध्यान करके, ध्यान में ही स्पर्श करना है। सम्यक चारित्राय नमः। बहुत सुंदर, भगवान के जैसे बैठ करके प्रभु की भक्ति में लीन हो जाए, एक एक पद को आत्मस्थ होके महसूस कीजिए। ये बहुत प्रभावशाली पद है, बहुत प्रभावशाली मंत्र है, अनादि अनिधान मंत्र है, 84 लाख मंत्रों का राजा है, 84 लाख योनियों से छुटकारा दिलाने वाला है। जिसने इस मंत्र को सुना वह देव हो गया। हमने सुना, आपने सुना, बचपन में सुनाया गया, इस महामंत्र ने आज हमें जैन बना दिया। इस महामंत्र को आत्म ध्यान करते करते हम जैन से जिन होने की यात्रा कर रहे हैं। जिन होने की यात्रा महसूस करते जाइए, पूरे मनोभाव के साथ एक एक पद को देखते जाइए। श्वास जब आए तो नमो अरिहंताणम, श्वास जाए तो नमो सिद्धाणम, श्वास फिर उठे तो नमो आयरियाणम, श्वास फिर बाहर निकले नमो वज्रायाणम, श्वास अंदर आए नमो लोए, श्वास बाहर निकले सव शवणम का ध्यान। ऐसे पदस्थ ध्यान को आत्म ध्यान में लगाइए। अब आगे हम और ध्यान की ओर अग्रसर होते हैं, आँखों को बंद रखेंगे, कायोसर की ओर आगे बढ़ते हैं। कायोसर्ग उंगली चला करके नहीं करना है। चलिए थोड़ी देर के लिए हम लोग आँखें खोल लेते हैं। अभी हम कायोसर करते हैं। कायोसर कैसे करते हैं? उंगलियों को चला करके। ये कायोसर्ग नहीं है, ये काय उपसर्ग है। आप अपनी काया पर उपसर्ग कर रहे हैं। किसी भी आगम में नहीं लिखा है कि उंगली चला करके आप नमोकार पढ़िए।
तो पदस्थ ध्यान के अंदर ये नवकार है, जिसे कायोत्सर्ग कहा जाता है। हर श्रावक मंदिर में जाता है, भगवान के सामने खड़े होकर के कायोत्सर्ग करता है, स्वाध्याय करता है, तब कायोत्सर्ग करता है, शयन करता है, उस समय कायोत्सर्ग करता है, हर समय हर क्रिया में कायोत्सर्ग का उपयोग करता है। तो अब कायोत्सर्ग करें कैसे? उसका सबसे बढ़िया तरीका है, उंगली नहीं चलाना है, आपके शरीर में जो 9 पॉइंट हैं, उस 9 पॉइंट पर आपको पदस्थ ध्यान, आत्मस्थ ध्यान करना है। सबसे पहले आप नमोकार यहाँ पढ़िए, पूरा यहाँ पर भी चक्र है, दूसरी बार पूरा नमोकार यहाँ पढ़िए, तीसरी बार नमोकार मंत्र पूरा आँखों में पढ़िए, चौथी बार नमोकार मंत्र नासिका में पढ़िए, पांचवी बार नमोकार मंत्र मुँह में पढ़िए, छठवीं बार नमोकार मंत्र कान में पढ़िए, सातवीं बार नमोकार मंत्र गले पर पढ़िए, आठवीं बार नमोकार मंत्र हृदय पर पढ़िए और नौवीं बार नमोकार मंत्र आप नाभि पर पढ़िए। ये मंत्र आपने अपने आप को सुनाया। आज तक हम उंगलियां चलाते चलाते नमोकार पढ़ते तो हैं, लेकिन किसको सुनाया? कौन बोला? भगवान को। भगवान को स्वयं आता है। आप तो नमोकार मंत्र स्वयं को सुनाइए, आंखों को बंद करके गहरी श्वास को लेकर के हर दिन जब हम अपने आप को नमोकार सुनाएंगे, तो इस नमोकार ने आज हमें जैन बनाया है। वो स्वयं को सुनाते 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 इतनी विशुद्धि बढ़ जाएगी कि पंचम काल में आप नमोकार में शामिल हो जाओगे, नमो लोए सबसाणम हो जाओगे, नमो वच्छायणम हो जाओगे और ऐसा पुण्य जागृत होगा, नमो आयरियाणम होकर के अपने जीवन में संघ के नायक बन के पंचाचारों का पालन करके और सबको करा करके धर्म की प्रभावना करोगे, तो पंचम काल में आप इस प्रकार से पदस्थ ध्यान करते करते उस पद की ऊंचाइयों तक पहुँचें, जिस पद की ऊंचाइयों तक पहुँचने के बाद फिर संसार का आवागमन रुक जाता है। वह सिद्ध शिला की अनुभूति, शुद्धोपयोग की अनुभूति पदस्थ ध्यान के माध्यम से होती है। ऐसे ही पदस्थ ध्यान के अंदर हम और भी आपको ओम के ध्यान की ओर ले चलेंगे। बस आप सुनते रहें पूरे मनोभाव के साथ। आज हमने पदस्थ ध्यान के साथ आपको जोड़ा है, प्रेम के साथ सुना, अनुग्रहित हों। ओम नमः सिद्धेभ्यः।